मॉर्निंग क्लास सर, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड बच्चे. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. सब ध्यान रखने ना घर पे अपना. तो विच डेट इज टुडे? 18 जुलाई 2020. क्लास थर्ड. सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? आज हम ईवीएस करेंगे. और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमने कल कौन सा टॉपिक किया था? प्लांट्स अराउंड अस. आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस. ओके, कौन सा है ये आपकी बुक में? लेसन नंबर 5 है. ओपन योर बुक, पेज नंबर 32. उससे पहले बेटा मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स क्या होते हैं. पेड़ पौधे होते हैं जो कहाँ होते हैं? हमारे आसपास होते हैं. और हमने कल क्या डिस्कस करा था? काइंड्स ऑफ ए प्लांट्स, के प्लांट्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं. जैसे कि ट्रीज. ट्रीज क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं. ट्रीज के हमारे एग्जाम्पल कौन से बताए थे मैंने? मैंगो और नीम ट्री. फिर हमने बताया था शर्ब्स. शर्ब्स क्या होते हैं? वो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं. ये भी काफी लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं. और इनकी मगर जो स्टिम होती है वो थोड़ी थिन होती है. शर्ब्स के एग्जाम्पल कौन कौन से थे हमारे? रोज एंड जैस्मिन. फिर हमने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स क्या होते हैं हमारे? वो प्लांट जो शर्ब्स से भी छोटे होते हैं. और ये कैसे होते हैं? सीजनल प्लांट होते हैं. और इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है. इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स. एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? जिंजर और मिंट. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्लाइंबर्स के बारे में. अब क्लाइंबर्स है, नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब यानी कि कूदना, किसी चीज का सहारा लेना. तो कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और इन्हें खड़ा करने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? क्लाइंबर्स और वीनर्स. और ये प्लांट जो होते हैं किसी दूसरे पेड़ के साथ सहारा लेके ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट और ग्रेप वाइन. उसके बाद हमने पढ़े थे क्रीपर्स के बारे में. अब क्रीपर्स क्या होते हैं? जो नीचे ही जमीन के साथ साथ बढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. और इन प्लांट्स की भी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और ना ही अपने आप सीधे खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. इनका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने कल? पंपकिन और वाटर मेलन. अब हम पढ़ेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो. ये जो प्लांट्स है वो कहाँ ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं. सो यहां से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर. प्लांट्स जो है वो हमें हर जगह मिलते हैं. दे ग्रो बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर. ये जमीन पर और पानी पर दोनों जगह बनते हैं. ऑल दे नीड इज द राइट काइंड ऑफ सॉयल. इनको सबसे ज्यादा जो है वो किस चीज की जरूरत होती है? सही तरह के सॉयल की, वॉटर की और सनलाइट की, धूप की. अब अगर हम कोई पौधा जो है वो धूप में से हटा देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, तो वो पौधा क्या होगा? सूख जाएगा, मुरझा जाएगा. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. अब जो प्लांट हमारे लैंड पर उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. कैक्टस, डेट, पाम ग्रो इन हॉट एंड ड्राई deserts where there is very little or no rainfall. Cactus or date
फार्म जो है वो कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है एक तरह से, यानी कि सूखा होता है, डेजर्ट्स में, जहाँ पर या तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती या फिर बहुत ही कम बारिश होती है। तभी तो कैक्टस देखो सबसे ज्यादा पाया जाता है जहां पर बहुत ही ज्यादा रेत होती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे, पाइन एंड स्प्राउस ग्रो ऑन द माउंटेन वेयर इट इज कोल्ड। और जो पाइन एंड जो स्प्राउस है वो कहाँ बढ़ते हैं, माउंटेन्स पे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। टीक एंड मोगनी ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। और टीक और मोगनी के जो प्लांट हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, जहां पर गर्मी भी होती है और ह्यूमिड प्लेसेस होती है। तो ये हमने पढ़ लिया प्लांट्स के बारे में। अब आता है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें एक्वेटिक, एक्वेटिक जगह वर्ड जो है वो कहाँ यूज होता है, जहां पर हम कभी पानी के बारे में बात करते हैं वहां पर हम एक्वेटिक वर्ड यूज करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। यानी कि जो पौधे कहाँ बनते हैं, एक्वेटिक में, वाटर में, उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। यानी कि समुद्र के नीचे भी जो होते हैं और जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि वॉटर लिली एंड वॉटर हाइना ग्रो इन वॉटर। वॉटर लिली और वॉटर हाइना का जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो करता है, वॉटर में। दे आर फिक्स्ड टू द वॉटर बेड, क्योंकि ये वॉटर बेड से क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। डकवीड एंड वॉल्फिया आर प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन द वॉटर। डकवीड और वॉल्फिया क्या है, वैसे प्लांट है जो पानी के ऊपर तैरते हैं। हाइड्रीला एंड टेप ग्रास रिमेन्स सबमर्ज अंडर वॉटर। हाइड्रीला और टेप ग्रास जो है वो वॉटर के नीचे रहते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ बुक में, इधर फर्स्ट पिक्चर में देखो, जैसे लोटस है, लोटस क्या है, पानी के ऊपर रहता है। ये है डकवीड, ये पानी के साथ साथ बहता रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रीला, हाइड्रीला जो है वो पानी के नीचे होता है। ओके क्लास थर्ड, ये क्लियर हो गया सबको। अब हम पढ़ेंगे अनयूजुअल प्लांट्स, एक ऐसे प्लांट जो अपने आप हो जाते हैं। सो आप इधर ये पिक्चर्स देखोगे, पहले यहाँ आपको टू पिक्चर्स दी हैं, एक मशरूम की और एक पिक्चर प्लांट की, ठीक है। ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये कैसे होते हैं, अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं। जैसे कि ऑल दीज आर प्लांट्स विथ सम अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों प्लांट्स के अंदर कुछ एक अजीब से ही विशेषताएं होती हैं। मशरूम इज नॉट अ ग्रीन प्लांट। मशरूम को देखा है, सब खाते हैं मशरूम, जिसको कुंभी भी बोलते हैं, वो कभी भी ग्रीन कलर का नहीं होता। उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। पता है कैसे बनता है, जो अपने आप ही प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं ना, वहां से इसको अपना फूड मिलता है। पिक्चर प्लांट जो है इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, यानी कि जो इंसेक्ट्स को खाता है प्लांट। इट हैज अ पिक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट्स। उस पिक्चर प्लांट को भी देखेंगे ना, तो उसके ऊपर जो उसके फ्लावर हमको लगते हैं, वो फ्लावर या लीफ नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसी शेप होती है कि जैसे ही उस पौधे के पास में कोई भी इंसेक्ट आता है वो उसको पकड़ करके खा लेता है।
तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे 33 पर। अब हम इसमें पढ़ेंगे यूजफुल प्लांट्स। यूजफुल प्लांट्स यानी कि नाम से पता चल रहा है कि वो प्लांट जो हमारे किसी ना किसी काम में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूजफुल प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट देम। प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये क्या है, हमारे फूड का एक सोर्स है यानी कि जरिया है। बिसाइड्स दे गिव अस मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा हमें प्लांट्स जो है वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देयरफॉर इट इज अवर ड्यूटी टू टेक गुड केयर ऑफ प्लांट्स। इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें प्लांट्स की जो है वो देखभाल करनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे एक चार्ट दिया हुआ है आपको एक प्लांट के रूप में, ऐसे बनाया हुआ ये ट्री एक बहुत बड़ा सा, ये ट्री एक बहुत बड़ा सा बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है ना। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो हमें ट्री से मिलती हैं। जैसे कि क्या मिलता है ट्री से हमें, शुगर मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और कॉटन और गम, टी, सीरियल्स, पल्सेस, मेडिसिंस, मेडिसिंस मिलती हैं हमें, पेपर मिलता है हमें और रबड़ मिलती है और वुड मिलती है और ऑयल मिलता है। तो हमें ट्री से कितनी सारी चीजें मिलती हैं, बोर्ड पे देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना ट्री की, शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉटन, गम, टी एंड कॉफी, सीरियल्स, पल्सेस, मेडिसिंस, बोर्ड, ऑयल, रबर और पेपर मिलता है। अब देखो हमें एक प्लांट से, एक ट्री से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं और ये सारी चीजें हमें अपनी डेली लाइफ में भी जरूरी होती है ना, इसीलिए बोलते हैं कि हमें प्लांट को ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही हमारे काम आएंगे। लास्ट में आते हैं अब हम, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड द नेम्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम विच दे कम। अब देखो पेपर किससे मिलता है हमें, जो ये पेपर है बुक का पेपर है या नोटबुक है जिसपे आप लिखते हो, किसी भी कलर का जो पेपर है वो कहाँ से मिलता है हमें, बैम्बू प्लांट से। कॉटन यानी कि रुई किससे मिलती है हमें, कॉटन प्लांट से। मेडिसिन नीम और तुलसी से। टी यानी कि चाय पत्ती कहाँ से मिलती है हमें, टी के प्लांट से। गम यानी कि जो गोंद आप यूज करते हो वो कहाँ से मिलता है, अकेशिया से। शुगर यानी कि चीनी, गन्ना किससे मिलती है हमें, वो गन्ने से। रबड़ जो यूज करते हो किसी भी तरह की रबड़, वो किससे मिलती है, रबर प्लांट से। और कॉफी, कॉफी के बीन्स से। अब आते हैं हम न्यू प्लांट। न्यू प्लांट क्या होती है, जो अपने आप उग जाते हैं या फिर कई ऐसे तरह के नए प्लांट्स जो पहले हमारे पास नहीं होते थे और हमें अब जो है अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो या फ्रूट्स हैं मार्केट में देखने को मिलते हैं। जैसे कीवी है, कीवी इंडिया का फ्रूट नहीं है, कीवी कहाँ का फ्रूट है, न्यूजीलैंड का, मगर फिर भी हमें खाने को इंडिया में मिल जाता है।
Nowadays, many different fruits and vegetables are available in the market. Some of these grow in our country. इनमें से कुछ जो है वो हमारे ही कंट्री में उगते हैं and some grow in other countries. और कुछ जो है वो दूसरी कंट्रीज में उगते हैं. यानी कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारी मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, मगर उनमें से कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं वो हमारी कंट्री में मिलते हैं और कुछ जो हैं हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं. तो अब हम ऐसे ही कुछ फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के अंदर हम मंगवाते हैं. कहाँ से? दूसरी कंट्रीज से. ओके क्लास थर्ड, अब देखो इधर दिखाया हुआ है आपको कीवी कहाँ से आती है? न्यूजीलैंड से. अवोकाडो कहाँ से आता है? साउथ अमेरिका से. लीची चीन से. एस्पेरेगस ग्रीस से. और स्वीट कॉर्न कहाँ से आते हैं हमारे पास? क्यूबा से. ओके तो यानी कि ये जो फ्रूट्स हैं या ये जो वेजिटेबल्स हैं ये कहाँ की हैं? बाहर की. और हम इन्हें फिर भी इंडिया में खाते हैं. वन शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन लोकली एज दे आर नॉट ओनली चीप बट ऑल्सो फ्रेश एंड टेस्टियर. इसीलिए कहते हैं हमें ज्यादातर ना वो वाली सब्जी और फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारे खुद की कंट्री में होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो वो हमें सस्ते पड़ते हैं और दूसरा वो फ्रेश होते हैं और खाने में अच्छे होते हैं. तो क्लास थर्ड यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, मगर आपको इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है. अब हम करेंगे इसका एक बार करेक्ट, फिर निंदा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 34 ओपन करो और अपनी पेंसिल्स लेकर के आओ जल्दी से, कि जिससे हम ये इवैल्यूएशन टाइम का काम पूरा करते हैं. ओके क्लास, चलिए करते हैं अब इसका हम इवैल्यूएशन टाइम के अंदर करेंगे. सबसे पहले हम टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्या करेंगे हम? टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसका भी हम कर रहे हैं ए पार्ट. उसमें क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही है आपको उस पर टिक लगाना है. तो हमारा फर्स्ट वन क्या है? प्लांट्स गिव्स अस डैश, हमें प्लांट से क्या मिलता है? वुड पर है आपका फ्रूट्स, और सी में है आपका बोथ ए एंड बी. अब हमें प्लांट से क्या मिलता है? वुड, फ्रूट्स या फिर दोनों? तो हमें दोनों मिलता है, हम किस पे टिक करेंगे? सी पे. नेक्स्ट पर आते हैं हम, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो स्पाइंस को क्या कर देती हैं?
रिड्यूस कर देती हैं, यानी कि उसको घटा देती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में है कैक्टस और पिचर प्लांट और मशरूम। तो क्या है, कौन सा प्लांट है वो? आंसर इज कैक्टस। सही आंसर क्या है इसका? कैक्टस। अब थर्ड है हमारे पास कीवी फ्रूट हैज कम फ्रॉम डैश। कहां से आता है कीवी फ्रूट? यस, कहां से आता है? न्यूजीलैंड से। तो हमारा फर्स्ट क्या है इसमें? क्यूबा। रॉन्ग है। सेकंड क्या है? कैलिफोर्निया। नहीं, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है हमारा इसमें? न्यूजीलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? न्यूजीलैंड। तो अब आप ये आंसर जो है अपनी बुक में टिक करेंगे। करो बेटा इन्हें फटाफट। कर लिया है आपने? और सुंदर सुंदर राइटिंग में करने, कोई गंदी राइटिंग नहीं लिखेगा। और बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखोगे इन्हें। नोटबुक में नहीं करना, कॉपी में कोई नहीं करेगा ये। अब हम करते हैं अपना बी पार्ट। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें इनके अंदर के आंसर जो है वो लिखने हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? शर्ब्स आर डैश देन ट्रीज। अब शर्ब्स जो है वो ट्रीज से क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं या बिगर होते हैं? यस, क्या होते हैं? स्मॉलर। तो आंसर क्या आएगा इसका? स्मॉलर। सेकंड क्या है हमारा? प्लांट्स हैव डिफरेंट डैश। प्लांट्स के क्या होते हैं? डिफरेंट साइज। क्या होता है प्लांट्स के डिफरेंट साइज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, हर्ब्स आर डैश प्लांट्स। हर्ब्स जो है वो कैसे प्लांट्स होते हैं? कैसे बताया था मैंने? कैसे होते हैं वो? सीजनल, यानी कि किसी किसी सीजन में मिलते हैं वो। तो क्या हो गया वो? सीजनल। आंसर क्या आएगा इसका? सीजनल प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वॉटर। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर या उसके पास में उगते हैं या पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हमारे प्लांट्स को हम? एक्वेटिक प्लांट्स। क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। अब लास्ट है हमारा प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल। क्या बोलते हैं उन्हें? टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। टेरिस्ट्रियल की स्पेलिंग क्या होती है? टी ई डबल आर
TERRIAL टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। ओके तो ये हमारे क्या हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। प्लांट्स हैव डिफरेंट, क्या होते हैं प्लांट्स का डिफरेंट साइजेस। हर्ब्स आर डैश प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो कैसे प्लांट्स होते हैं, सीजनल। प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कैसे प्लांट्स बोलते हैं हम उन्हें, एक्वेटिक। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, टेरिस्ट्रियल प्लांट। इन सब की आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। तो आज हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया और उसकी बुक एक्सरसाइज का ए और बी पार्ट करा है। अब जो बाकी की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चे, बाय।